स्वागत है आप सबका इंडियन डिश बाय देर में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल नए तरह के नाश्ता। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस रेसिपी के लिए हम यहाँ पे गेहूं के आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं, ये नॉर्मल आटा है, इस कटोरी से 4 कटोरी ले लेंगे। वजन से हमने यहाँ पे 1/2 किलो आटा लिया है। अब हम यहाँ पे मोरन के लिए देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 किलो आटे में हम 200 ग्राम घी का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से सारे घी हम एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा घी हम रख देंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो। अब हम आटे को घी के साथ में अच्छी तरह मसल लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो इसे दोनों हाथों से मिक्स कर सकते हैं, ये और भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी दोनों हाथों से मिक्स करने से। हमारे आटे में घी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, इस बात का पता आप इस तरह लगा सकते हैं। आप आटा जिस तरह हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, उसके बाद आप आटे को इस तरह एक मुट्ठी बनाएंगे तो ये आसानी से मुट्ठी बन जाएगी, यानी आपने जो घी लिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। हमने इस टाइम 1/2 किलो आटा में 150 ग्राम घी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध डालते जाएंगे और इसे आटे की तरह लगाते जाएंगे। मैंने यहाँ पे गुनगुना दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो गुनगुना पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दूध की जगह पे, लेकिन दूध से ये जो हमारी मुठरी है काफी सॉफ्ट बनेगी और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हमने आटा को लगाकर बिल्कुल तैयार कर लिया है। हमारे आटा ना तो ये बहुत ज्यादा टाइट है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। इस आटे को हमने इस तरह से लगाया है जिस तरह हम मठरी के लिए आटा लगाते हैं, ना ही तो वो ज्यादा टाइट होती है ना ही ज्यादा नरम होती है। हम जो नॉर्मल रोटी के लिए आटा लगाते हैं उससे ये आटा थोड़ा सा टाइट रहता है। तो चलिए अब मुठरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसमें से थोड़ा सा लोई ले लेंगे, उसके बाद हम वैसे ही करेंगे जैसे रोटी के लिए लोई बनाते हैं। फिर हम इसे इस तरह से कर लेंगे। ये बन गई हमारी मुठरी, तो इसी तरह हम सारे बनाकर लोई तैयार कर लेंगे। हमने सारे मुठरियों को बनाकर तैयार कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स में हम लेंगे 10 बारह बारीक कटे हुए काजू, 10 बारह बादाम, किशमिश, खरबूजे के बीज, इलायची। मिठास के लिए मैं यहाँ पर लूंगी बूढ़ा, इसे देसी चीनी भी कहते हैं। आप चाहे तो चीनी का पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गुड़ का। जब गर्म हो जाए तब हमें एक एक करके सारे मुठरियों को डाल देना है। एक तरफ से जब ये मुठरी हल्का हो जाए तब इसे पलट दे ताकि ये दूसरी तरफ से भी बराबर में सिक जाए। कोशिश करें आप इसे धीमे गैस पर सिकने की, इससे ये अंदर से भी अच्छी तरह सिक जाएगी। अगर आप तेज गैस पे सिकेंगे तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाएगा, जल्दी सिक जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह सकती है। हमें मुठरी को पकाते हुए लगभग 17 मिनट हो चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारे मुठरी का कलर ये पहले से काफ़ी चेंज हो चुके हैं, बिल्कुल ब्राउन कलर का हो चुके हैं। अब हम इस मुठरी को उतार लेंगे और इसी तरह से हम सारे मुठरी को तलकर तैयार कर लेंगे। इस मुठरी को तेल से निकालने के बाद हाथों हाथ हाथ ना लगाए क्योंकि ये काफी गर्म होती है, इससे आपके हाथ जल सकती है। हमें इस मुठरी को उतारे हुए कम से कम 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब ये पहले से काफी ठंड हो चुके हैं। अब हम इन मुठरियों को अच्छी तरह इस तरह से तोड़ कर रख देंगे ताकि हमें जब मिक्सी में पीसेंगे तब आसानी से पीस जाए। सारे मुठरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिए हैं। अब हम यहाँ पे एक मिक्सर जार ले लेंगे। मिक्सर जार में हम सारे मुठरियों को डाल देंगे और अब हम इसे पीस कर तैयार कर लेते हैं। हमने मुठरी को पीस कर तैयार कर लिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हमने यहाँ पे मुठरियों को दरदरा पीस कर तैयार किया है। आप चाहे तो इसे और ज़्यादा बारीकी से पीस सकते हैं। हम यहाँ पे ले लेंगे एक बड़ी परात, आप यहाँ पे कोई भी एक बड़ी बर्तन ले लीजिए ताकि इसे में मिक्स करने में आसानी हो। उसके बाद हम मिश्रण को डाल देंगे जो हमने पीस कर तैयार किया था। इसमें कुटी हुई इलायची को भी डाल देंगे, बारीक कटी हुई काजू, आप चाहे तो सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, जो कि बीज, कटी हुई बादाम, किशमिश। हम इसमें बचे हुए घी को भी डाल देंगे। हमें हाथों की सहायता से सारे मिश्रण को अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। सारे मिश्रण यानी घी जब इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए तब हम इसमें ऊपर से बूरा को डाल देंगे। अब हम इस मिश्रण को फिर से एक बार अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आप इस बूरे को बिल्कुल जब हल्का हो जाए ठंड तभी डालें, गर्म गर्म में ना डालें, नहीं तो ये पानी छोड़ सकती है जिससे आपका ये जो चूरमा बनी है वो खराब हो सकती है। तैयार है हमारा मुठरी की चूरमा। आप इस रेसिपी को 7 से 8 दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं, लड्डू भी बना सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं।
आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह लड्डू भी बन रही है। तो आप इसे किसी भी तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इसे लड्डू बना लें या फिर आप इसे ऐसे ही इस्तेमाल करें।